कंप्यूटर नेटवर्क DNS डोमेन नेम सिस्टम। सो डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है, सिंपल प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल क्या करती है? ये एक सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या सर्विस प्रोवाइड करती है? कि वर्ल्ड वाइड वेब नेम को एड्रेस में कन्वर्ट करती है। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल डोमेन नेम सिस्टम मीन्स डोमेन नेम। डोमेन नेम मीन्स जैसे youtube.com है, youtube.com में youtube इज ए डोमेन, इसे सब डोमेन, राइट, कॉम इज ए डोमेन, ठीक है। तो डोमेन नेम जो भी आप ब्राउजर पर राइट कर रहे हैं youtube.com, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एड्रेस, आईपी एड्रेस जनरेट करता है, राइट। तो क्यों जनरेट कर रहे हैं हम डोमेन नेम से आईपी एड्रेस? क्योंकि हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं youtube.com लिखकर, बट नहीं, हमारा सिस्टम जो है वो जीरो और वन की फॉर्म में होता है, मीन्स वो जीरो और वन ही समझता है। ये जो आप youtube.com ब्राउजर पर लिख रहे हैं, सिस्टम नहीं समझता। उसको चाहिए आईपी एड्रेस टू कनेक्ट विद अनदर सिस्टम। अब यहाँ पर आप youtube.com लिखकर एक वेब पेज सर्व करना चाहते हैं, बट यहाँ पर सिस्टम इसको नहीं समझ रहा है। सिस्टम दूसरे वेब पेज को लाने के लिए उसको क्या चाहिए? कनेक्ट करने के लिए आईपी एड्रेस चाहिए। तो वो क्या करेगा कि DNS सिस्टम का यूज करके वो इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा और फाइनली आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। सो दैट कि आप वो जो पेज सर्व करना चाह रहे हैं वो वेब पेज ओपन हो जाए, राइट। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी पर्सन से कम्युनिकेट करना है और आपको नाम पता है पर्सन का बट फोन नंबर नहीं पता है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? फोन बुक यूज करते हैं और वो फोन बुक आपको क्या बताते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन का फोन नंबर क्या है, राइट। तो यहाँ पर आप पर्सन का फोन नंबर नहीं सेव कर रहे हैं, आपको जैसे उसका नाम पता है, राइट। इसी तरह से यहाँ पर आपको डोमेन नेम पता है, आपको आईपी एड्रेस नहीं पता है। और आप ये क्यों यूज कर रहे हैं DNS? क्योंकि आप प्रेफर करते हैं नेम्स रेदर देन द नंबर, राइट। क्योंकि आईपी एड्रेस जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दूसरी चीज, आईपी एड्रेसेस जो है स्टैटिक नहीं होते, डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर YouTube की बात करें तो उसका भी आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको आईपी एड्रेस याद भी है तो भी हो सकता है आपका वेब पेज ना ओपन हो, राइट। सो वी नीड ए सिस्टम टू मैप अ नेम टू द एड्रेस एंड एड्रेस टू द नेम। ओके, सो DNS वर्क कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल आपके सिस्टम में आपने लिखा youtube.com, आपने ब्राउजर में लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ब्राउजर की हिस्ट्री है वहां पर जो कैश है, ठीक है, वहां से रिट्राइव करने की कोशिश करेगा आपका सिस्टम कि कहीं कैश में आपके सेव है youtube.com का आईपी एड्रेस या नहीं। अगर वो वहां नहीं है, बट एक्चुअल में आप क्या जानना चाहते हैं? आईपी एड्रेस, सो दैट कि आप वो वेब पेज ओपन कर पाए। बट अगर वहां नहीं है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में एक रिजॉल्वर होता है जिसके पास आईपी एड्रेसेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नेम्स के, जो कि आपने रिसेंटली या फिर पहले कभी विजिट किया हो, राइट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? डोमेन नेम का कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम रिजॉल्वर में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बट इन केस अगर वो वहां पर भी नहीं है तो फाइनली आप सिस्टम से बाहर आएंगे। सिस्टम के बाहर पर है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको यहाँ DNS की फॉर्म में हम रिजॉल्वर बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये रिजॉल्वर क्या करेगा? आपकी रिक्वेस्ट लेगा कि youtube.com का क्या चाहिए आपको? आईपी एड्रेस चाहिए। ओके, तो ये सबसे पहले अपने कैश में चेक करेगा कि रिसेंटली वही सेम क्वेरी पहले भी आई है या नहीं, या आपके थ्रू या फिर किसी और के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट कैश में चेक करेगा, कैश में अगर नहीं है तो अब क्या करेगा? यहाँ पर आपकी क्वेरी क्या है? youtube.com, बट एक्चुअल में ये क्या होता है? youtube.com डॉट, यस, क्या होता है जब आप ब्राउजर पर youtube.com लिखते हैं तो लास्ट में डॉट जो है आपको नजर नहीं आता, बट एक्चुअल में आपका सिस्टम जो है कन्वर्ट करता है, जो आपका सर्विस प्रोवाइडेड होती है वो जो इंटरनेट है वो एक्चुअल में डॉट से स्टार्ट होता है। डॉट मीन्स रूट, राइट। क्योंकि जैसे जैसे आप कोई भी डोमेन नेम में, सब डोमेन में, फर्दर सब डोमेन में एंटर करते हैं तो एक्चुअल जो जैसे जैसे आप एक ट्री के फॉर्म में एक्सेस करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? रूट से, राइट। तो रूट एक्चुअल पे क्या है? ये डॉट है, इसमें कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक नल स्ट्रिंग है, ठीक है। ये नल स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि ये आपको रूट नेम सर्वर तक ले जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इस रिजॉल्वर को पता होगा वो आईपी एड्रेस जिसके थ्रू ये रूट नेम सर्वर तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, youtube.com को इससे पूछेगा क्या आपको youtube.com का आईपी एड्रेस पता है या नहीं। तो ये क्या करेगा, इसके पास ऑब्वियसली आईपी एड्रेस नहीं होता, इसके पास होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट कह सकते हैं डोमेन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल org, egu, com, ad, in, ऐसे ही 1500 जो है डोमेन्स होते हैं। ठीक है, अभी तक जो है, तो इनमें से इन सभी के जो है आईपी एड्रेसेस इसके पास है, किसके, इन डोमेन्स के, क्योंकि एक्चुअल में हम कहाँ से रीड कर रहे हैं, रूट देन डोमेन देन सब डोमेन। तो यहाँ रूट को फाइनली आपने एक्सेस कर लिया, नेक्स्ट है कॉम। अब कॉम को एक्सेस करने के लिए ये रूट आपकी हेल्प करेगा, रूट बताएगा कि ये जो कॉम डोमेन है इसका आईपी एड्रेस क्या है, क्योंकि इसको पूरे इस जो कह सकते हैं आप डोमेन नेम है पूरा, जो वेबसाइट का नेम है वो पूरा इसको नहीं पता, बट इसको पता है कि कॉम का आईपी एड्रेस क्या है। तो ये क्या करेगा, ये आपको कॉम का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा देगा। कॉम का आईपी एड्रेस मींस टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर, मींस यहाँ पर ये कॉम का टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर होगा जो कि बताएगा कि एक्चुअल में अब आपको कहाँ जाना है। आप यहाँ से एड्रेस लेकर यहाँ आ गए, ठीक है, मतलब फाइनली इसने आपको रिवर्ट बैक किया मैसेज कि ये आईपी एड्रेस है, यहाँ पर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली आप कहाँ पहुँचे, टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर मीन्स कॉम पर। ठीक है, अब यहाँ तक जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, बट आपको क्या चाहिए, youtube.com का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपको प्रोवाइड कराएगा अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, मीन्स ये जो youtube.com है इसका आईपी एड्रेस एक्चुअल में इसके पास है। और TLD को कैसे पता कि इसका जो एड्रेस है youtube.com का वो इसके पास है। एक्चुअल में क्या होता है, जब आपकी कोई भी वेबसाइट रजिस्टर होती है, रजिस्ट्री होती है, तो वहाँ पर जब रजिस्ट्री होती है तो TLD जो है वो क्या करते हैं, उनके पास सेव हो जाते हैं कि किस अथॉरिटी के अंदर जो है वो वेबसाइट रजिस्टर हुई है। ठीक है, तो TLD को पता है कि जो वेबसाइट आप youtube.com बोल रहे हैं वो किस अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर हुई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका एड्रेस आपको प्रोवाइड करा देगा और फाइनली आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, मतलब इसने भी रिवर्ट पैक किया आपको जो आईपी एड्रेस था, क्योंकि इस सभी सर्वर्स का भी एक आईपी एड्रेस है जो कि आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर रिजॉल्वर के पास अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का आईपी एड्रेस है और ये यहाँ से क्या करेगा, इसको क्वेरी देगा और ये आपको बताएगा कि youtube.com का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पास वापस यहाँ पर जो है आईपी एड्रेस आ गया है youtube.com का। ये सबसे पहले क्या करेगा, रिजॉल्वर अपने कैश में सेव करेगा सो दैट कि आप नेक्स्ट टाइम अगर सेम क्वेरी देते तो ये सभी के गो थ्रू ना हो, डायरेक्ट आपको वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा के नेक्स्ट टाइम। ओके, फाइनली आपके पास आईपी एड्रेस आ गया और आईपी एड्रेस यहाँ पर आप एक्सेस करने के बाद अब आप वेब पेज ओपन कर सकते हैं। सी, यहाँ पर ये जितनी भी क्वेरी चली है ये आप वेब पेज ओपन नहीं करना चाह रहे थे, ये जस्ट आप एक्सेस कर रहे थे आईपी एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर डोमेन नेम। ओके ओके, फर्दर वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पर अथॉरिटेटिव नेम सर्वर को आपने यहाँ एक्सेस किया, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने google.com को एक्सेस किया, बट यहाँ पर अगर फर्दर डोमेन नेम होता, बिन सब डोमेन नेम होता, YouTube से पहले भी कोई और सब डोमेन होता, तो उसके लिए अलग से एक और फर्दर सर्वर आपको एक्सेस करना पड़ता, राइट। ठीक है, ओके, सो दीज आर द नोट्स, पोस्ट द वीडियो एंड नोट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।